हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और परसों से नवरात्रि चालू हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ नवरात्रि के लिए 9 दिन के देवी के 9 कलर कौन से हैं और वो कलर हमने फॉलो करने के, मतलब हम उस कलर के ड्रेसेस पहनते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ये पूरा ये है, जहाँ भी देखो आप, ट्रेन में देखो या कहीं भी, सब लोग सेम कलर के ड्रेस पहन के निकलते हैं। पता नहीं वो 9 कलर कहाँ से आते, जो मतलब व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं कि नवरात्रि, इस साल नवरात्रि देवी के नौ देवी के ये 9 कलर है। तो फिर सारे मैं रहती हूँ मुंबई में, और मुंबई में सारे लोग उसको फॉलो करते हैं और महाराष्ट्र में भी फॉलो करते हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस साल नवरात्रि के 9 कलर कौन से हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम पहले ना लास्ट ईयर मेरे क्लास के स्टूडेंट थे ना, वो ग्रुप बहुत अच्छा था, मेरे पार्लर के स्टूडेंट थे जो, तो वो ग्रुप इतना अच्छा था, तो हम लोग ना नवरात्रि के कलर फॉलो करते थे। और 9 दिन के कलर रहते, एक आधा कलर तो हर किसी के पास रहता नहीं है, तो कोई अगर पहन के नहीं आएगा सेम उस दिन का कलर, तो उसको फाइन थी कि उसने पार्टी देने की सबको। तो इस तरह से हर एक का एक दिन तो टर्न आ ही जाता है, और कोई 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 तो जानबूझ के, क्योंकि दूसरों की पार्टी खाई है तो अब हमारा टर्न है, तो जानबूझ के भी नहीं पहन के आते थे। पर बहुत मजा करते थे हम लोग उस टाइम पे। वो टाइम का क्लास मुझे याद आ रहा है ना गाइस, तो मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि सच में हम बहुत मजा करते थे उस टाइम पे। और देखिए इस साल भी बैच तो बड़ा है, क्लास के स्टूडेंट तो फॉलो करते हैं कि नहीं पता नहीं, इस तरह से कुछ आइडिया रखूंगी, पनिशमेंट रखूंगी उनको अगर नहीं कपड़े उस तरह के, उस कलर के कपड़े नहीं पहन के आए तो मैं उनको, तो वो लोग सब पहन के आएंगे शायद, इस बार का बैच भी कोऑपरेटिव है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ नवरात्रि के 9 कलर, दुर्गा माँ के 9 कलर कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है, मैं बताती हूँ आपको, मेरे ड्रेस मैंने निकाल के रखे हैं 9 दिन के, तो वो मैं आपको बताती हूँ कौन से कलर हैं। तो फर्स्ट डे है ये ब्लू कलर, रॉयल ब्लू कलर है ये, तो फर्स्ट डे देवी का कलर है ब्लू कलर। सेकंड डे है येलो कलर, थर्ड डे है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का टॉप मेरा प्रेस में गया है तो मैंने सलवार रखी है ग्रीन कलर की। फोर्थ डे है ग्रे कलर, ग्रे कलर है, और फिफ्थ डे है ऑरेंज कलर, सिक्स्थ डे है वाइट कलर। गाइज मेरा वाइट कलर का कुर्ती भी ये प्रेस को गया है, तो ये प्लाजो रखा है मैंने वाइट कलर का उसके साथ। उसके बाद है रेड कलर, ये है रेड कलर, और उसके बाद है ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर है, और लास्ट में है पिंक कलर। तो पिंक कलर और उसके बाद दशहरा चालू हो जाता है। इस साल ना गाइस मुझे लगता है 8 कलर है शायद, 9 नवरात्रि के 9 कलर नहीं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 दिन है नवरात्रि इस साल, तो नवरात्रि के 8 कलर है गाइस। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े अरेंज करके रख दिए हैं। तो गाइस इस तरह से मैंने सारे कपड़े मेरे अरेंज करके रख दिए हैं, और मैं हर रोज एक 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 ड्रेस मैंने इसलिए अरेंज करके रखे हैं ताकि मुझे याद रहे कि इसके बाद मुझे देखना ना पड़े आज देवी का कौन सा कलर है, इसके बाद मैं कौन सा कपड़ा पहनूं। तो मैंने उस तरह से लाइन से लगा के रख दिए हैं। सुबह सुबह बहुत जल्दी घाई मची रहती है पार्लर पे पहुंचने की, तो मैं जल्दी से अपने कपड़े लाइन से निकाल लूँ, तो इस तरह से मैं कबर्ड में अरेंज करके रख दूंगी। और मैं इस तरह से कपड़े इसमें रखती हूँ साड़ी कवर में, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा साड़ी कवर है, तो उसमें मैं सारे कपड़े इस तरह से रख देती हूँ, और इसको भी मैं दूसरे साड़ी कवर में पूरा अरेंज करके रख दूंगी ताकि वो मुझे वन बाय वन फटाफट मिल जाए।
तो गाइज मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, और आप मेरा ये वीडियो देखिए, मुझे बहुत दिन से 3-4 दिन से वीडियो बनाना था। मैं बोली मैं सब सबके साथ शेयर करूँ देवी के कलर, तो मेरा रह ही जाता था रोज, आज करूँगी नहीं तो कल रात को करूँगी, परसों रात को करूँगी, इस तरह से मेरा रोज रह जाता है। लेकिन अब तो परसों से नवरात्रि चालू हो रही है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ आप सबके लिए। तो गाइज आप भी उसी तरह से कलर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मंदिर में भी देवी को ना उसी कलर के कपड़े पहनाते हैं, और आप जब भी ट्रेन में बैठो, ऑफिस में जाओ या कहीं भी जाओ, रास्ते पे सब लोग आपको वही कलर के कपड़े पहन के दिखेंगे, और इतना खुशनुमा वातावरण हो जाता है ना गाइज कि मैं क्या बताऊँ आपको। दिन में सब लोग ऑफिस में, टीचर्स लोग तो पूरा सब एक कलर के कपड़े, अब तो देखना फेसबुक पे तो सारे फोटो की भरमार लग जाएगी कलर के कपड़ों में, सेम 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 सेम, बहुत अच्छा लगता है। और इवन ना शॉप पे भी विंडो शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे भी जिस दिन का जो कलर रहता है उसके अगले दिन वो कलर के सारे कपड़े लग जाते हैं, ताकि उनके सेल भी होते हैं, क्योंकि सबको चाहिए रहता है कल क्या पहनेंगे। कल अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के कपड़े चाहिए, तो ब्लू कलर के कपड़े लोगों के पास नहीं है तो लोग खरीदते भी हैं, फटाक से खरीद लेते हैं गाइस, तो इसलिए कपड़े सेल भी हो जाते हैं। तो ये पूरा नवरात्रि के 9 दिन का यहाँ पे बहुत महाराष्ट्र में स्पेशली ये कलर फॉलो करते हैं, पता नहीं आपके यहाँ करते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए प्लीज। और अगर नहीं करते हैं तो आप जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं वो मेरे साथ साथ वो सारे कलर फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे है, देवी का कलर है ब्लू, ये डार्क ब्लू कलर है देवी का फर्स्ट डे। तो पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन गाइज आप सबने ब्लू कलर का ड्रेस पहनना है, साड़ी पहनो, ब्लू कलर की कुछ भी पहनो। तो ये है नवरात्रि का फर्स्ट डे का ब्लू कलर। सेकंड डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि स्टार्ट हो रही है बुधवार से, तो आज गुरुवार है, सेकंड डे ऑफ नवरात्रि, और नवरात्रि का कलर है, सेकंड डे का कलर है येल्लो। तो गाइस येल्लो कलर ढूंढ के रख दीजिए कलर के कपड़े, और नवरात्रि के सेकंड डे आप हम सब पहनेंगे साथ में मिलके येल्लो कलर, देवी को खुश करेंगे, और देवी खुद भी उसी कलर की साड़ी पहनेगी। तो यह है सेकंड डे का येल्लो कलर। नवरात्रि का थर्ड डे ग्रीन कलर, गाइस हमने थर्ड डे ग्रीन कलर पहनना है, और ग्रीन कलर के कपड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली साड़ी। मेरे पास एक साड़ी बहुत अच्छी थी ग्रीन कलर की, पर अब उसका ब्लाउज मुझे नहीं होगा शायद तो मैंने सलवार निकाल के रखी है, और टॉप मेरा प्रेस में गया है। तो ये है थर्ड डे ऑफ नवरात्रि ग्रीन कलर। फोर्थ डे ऑफ नवरात्रि गाइस ग्रे कलर है, तो फोर्थ डे ऑफ देवी का कलर है ग्रे कलर, तो हम पहनेंगे ग्रे कलर। और उसके बाद आता है ये ऑरेंज कलर, कुर्तियां उल्टी पकड़ रही हूं, उसके बाद ये आ रहा है ऑरेंज कलर, तो हम देवी को खुश करने के लिए उस दिन ऑरेंज कलर पहनेंगे। सिक्स डे पे है गाइस व्हाइट कलर, देवी का कलर है व्हाइट, तो सिक्स डे नवरात्रि का छठवां दिन है, उस दिन हम पहनेंगे व्हाइट कलर के कपड़े। और गाइस बस धूम मचा दो, जिस इस तरह से सारे सब लोग इसी तरह के कपड़े पहनो, देवी आए तो बहुत खुश हो जाए। तो ये है व्हाइट कलर। अब है सेवन डे, और सेवन डे देवी का कलर है रेड कलर, तो सेवन डे हम सब पहनेंगे लाल कलर के कपड़े। उसके बाद गाइस देवी का कलर है ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर है, तो हम पहनेंगे स्काई ब्लू कलर
सातवें दिन देवी का कलर है स्काई ब्लू कलर। और फाइनली आठवें दिन है देवी का कलर पिंक कलर, जो मेरा बहुत फेवरेट कलर है पिंक कलर। तो पिंक कलर के कपड़े हमें आठवें दिन पहनना है और उसके बाद है दशहरा। तो गाइस ये थे सारे देवी के कलर। ओ गॉड मेरे ड्रेस से। तो गाइस ये सारे थे देवी के सब कलर और आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको बोला वो। तो आप जरूर से फॉलो कीजिए, आप जरूर से ये सारे कलर फॉलो कीजिए और हम रोज मिलेंगे नवरात्रि में उसी कलर के कपड़े पहन के। और आप मुझे बताइएगा आपने भी उस कलर के कपड़े पहने हैं कि नहीं। तो गाइस ये जल्दी जल्दी मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर देती हूँ और आप सब देखिए और ये सब नवरात्रि के नव कलर आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस आप जरूर से ये सारे कलर फॉलो करना और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना। और गाइस ये वाला वीडियो ना जो भी देखो वो अपने ग्रुप में जरूर से शेयर करना ताकि देवी के नौ कलर हम सबके साथ शेयर करें। और मुझे पता नहीं ये कलर कहाँ से आते, मुझे लगता है पंडित लोग पंचांग में से देख के सारे कलर, हर साल चेंज रहते हैं कलर, एक कभी नहीं रहते, तो हर साल इस तरह से कलर चेंजेस में आते हैं। और सबसे पहले जब भी नवरात्रि चालू होते हैं मंदिर में जाते हैं और सब लोग उसी कलर के कपड़े पहने रहते हैं और देवी ने भी उसी कलर की साड़ी पहनी रहती है। गाइज इतना सुंदर लगता है ना, ये महाराष्ट्र का पूरा चलन है और यहाँ पे सब ऐसा होता है। तो गाइज मैं चाहती हूँ ऑल ओवर इंडिया सब लोग देवी के ये कलर फॉलो करें। तो गाइज आप मेरा ये वीडियो जो भी देखो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ताकि वो लोग भी सब ये कलर फॉलो कर सके। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्सक्राइबर जो भी हैं उनको वेलकम। और प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ ताकि सारे लोग देवी के सारे कलर फॉलो करें नवरात्रि में। ओके बाय, लव यू गाइज।